नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरओ एआरओ जीएस मॉक टेस्ट 36, जिसमें कि 25 प्रश्न होंगे। आप लोगों के कहने पर मैंने 5 प्रश्नों को बढ़ाया है और आने वाली क्लास में हम और 5 प्रश्नों को बढ़ाएंगे, उसकी चिंता आप लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। रिकॉर्ड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की भी पुस्तक लेके आया है। ये पुस्तक आरओ एआरओ एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर में चेक कर सकते हैं, और बाय चांस अगर वहां पर आपको ये अवेलेबल नहीं है तो आप घर बैठे इस बुक को थ्रू फ्लिपकार्ट ऑर्डर भी कर सकते हैं, आपको घर पे ये बुक आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास का अब हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में सूची एक दी गई है, सूची दो दिया गया है। सूची एक में आयोग कमीशंस के नाम दिए गए हैं, सूची दो में उनके रिलेशंस दिए गए हैं कि ये कमीशन किस चीज से रिलेटेड है। तो सबसे पहला आयोग आपको जो दिया गया है वो दिया गया है पूंजी आयोग। क्लास अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को लिख सकते हैं कहीं पर, ठीक है, या फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको सही उत्तर देने जा रही हूँ। तो जब भी हम पूंजी कमीशन की बात करते हैं, पूंजी आयोग की बात करते हैं, तो ये किस चीज से रिलेटेड है? केंद्र राज संबंध से रिलेटेड है। तो ए का पहला हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिया गया है और ऑप्शन सी में आपको दिया गया है, ठीक है। फिर दिनेश गोस्वामी कमिटी की जब हम बात करते हैं तो दिनेश गोस्वामी समिति जो है वो चुनाव सुधारों से संबंधित है, इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड है। तो बी का आपका क्या हो जाएगा? बी का आपका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है, बी का फोर्थ हो जाएगा। तो बी का फोर्थ ऑप्शन सी में दिया है, तो सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। अब आगे का देखते हैं। संथानम समिति की जब हम बात करते हैं तो ये करप्शन से रिलेटेड है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन से, भ्रष्टाचार के रोकथाम के लिए इस कमीशन को अपॉइंट किया गया था। और गोरी कमिटी जो है वो आईपीएस ट्रेनिंग से रिलेटेड है। अब क्लास इसी टॉपिक से, सी आपका सही उत्तर है, आप सभी को पता चल गया है। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। संथानम कमिटी की जब हम बात करते हैं तो इसको अपॉइंट किसने किया था? इसको लाल बहादुर शास्त्री ने अपॉइंट किया था, और किस ईयर में अपॉइंट किया था? 1962 में, ठीक है, याद रखिएगा, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की जब हम बात करते हैं, उसका गठन इसी कमिटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था 1964 में, कभी मत भूलिएगा, ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है। देखिए यहाँ पर संथानम कमिटी के रिकमेंडेशन पे सीवीसी, जिसको कि हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया केंद्रीय सतर्कता आयोग बोलते हैं, उसका गठन 1964 में हुआ। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि पहला सीवीसी मतलब आपका पहला विजिलेंस कमिश्नर कौन था? फर्स्ट विजिलेंस कमिश्नर की हम बात करें तो वो कौन थे? नितू श्रीनिवास राव थे, ठीक है, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और अगर हम करंट की बात करें तो यहाँ पर करंट आपका लिखा है सुरेश एन पाटिल, जो कि गलत है। अभी हाल ही में 28 मई को मुझे लगता है इनको बदला गया है और इनके जगह अपॉइंट किया गया है पी के श्रीवास्तवा को एज अ करंट से विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किया गया है, ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट ने इनको अपॉइंट किया है, ये चीज आप याद रखिएगा। क्लास इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए, पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अभी पूंजी आयोग की बात मैंने की है और मैंने आपको बताया इट इज रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, ठीक है, केंद्र राज संबंधों से रिलेटेड ये आयोग था। अब केंद्र राज संबंधों से रिलेटेड कुछ और आयोग हैं जिनके की नाम आपको पता होना चाहिए। पहले सरकारिया आयोग, ठीक है, फिर राज मन्नार समिति। सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? 1983 में हुआ था, ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है, ईयर भी याद रखिएगा और किससे ये रिलेटेड है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से, ये भी आप याद रखेंगे। राज मन्नार समिति 1969, ईयर याद रखिएगा, और पूंजी आयोग 2007। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हो सकता है इन्हीं कमिटीज का नाम दिया गया और आपसे बोल दिया जाए इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करें, या फिर आपको दे दिया जाए कि राज मन्नार समिति जो थी वो किससे, उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया था, तो वो रिकमेंडेशन आपका सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से रिलेटेड था, याद रखिएगा। दिनेश गोस्वामी समिति की बात हम गर्म करें
तो अभी मैंने आपको बताया ये इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड है, ठीक है, चुनाव में जो सुधारों की जरूरत है उससे रिलेटेड है। फिर इसके बाद गोरे समिति की बात करें तो गोरे समिति भी हमने डिस्कस किया, इसका गठन 1971 में हुआ था और पुलिस सुधार एवं आईपीएस का परीक्षण ट्रेनिंग से रिलेटेड इन्होंने रिकमेंडेशन दिए थे। इतनी चीजें क्लियर। अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरे प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, ठीक है। और बोला गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट ऑल द अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 141, 142, 143, 144 यहाँ पर ज्यादातर आर्टिकल आपके सुप्रीम कोर्ट से ही रिलेटेड है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है डायरेक्ट प्रश्न है ना, यहाँ पे सीधे आपसे आर्टिकल पूछा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 144, डी जो है वो आपका सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न देखिए, भारत का वह एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी विधानसभा में धर्म व जाति विशेष के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी आप लोग जानते हैं कि हम लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं और यहाँ पर क्या बोला है, धर्म और जाति के आधार पर रिजर्वेशन किस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में दिया गया है, ठीक है। पहला ऑप्शन गोवा है, फिर सिक्किम है, फिर त्रिपुरा है और आखिरी आपका हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पे तीसरे का आपका जो सही उत्तर है वो आपका क्या होगा, सिक्किम, ठीक है। बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी सही उत्तर है। आपने दो ट्राइब्स के बारे में सुना होगा, लेप्चा और भूटिया। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो इंडियन ट्राइब से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है कि ये ट्राइब टोडा कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है, लेप्चा कहाँ है सिक्किम में, भूटिया कहाँ है सिक्किम में। तो लेप्चा और भूटिया को 12 सीटें रिजर्व की गई है यहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, और जो बौद्ध भिक्षुक है उनके लिए एक सीट रिजर्व की गई है यहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो अब आपको समझ में आ गया सही उत्तर क्या है, बी दिया है, ठीक है। व्याख्या में लिखा हुआ है ये चीज जो मैंने आपको बताई है। चलिए चौथे प्रश्न को हम देखते हैं। एम नागराज बनाम भारत सरकार मामले का संबंध किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। एम नागराज वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस इज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्युलरिज्म या इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21। तो यहाँ पर मैं बता दूं दल बदल कानून से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर ये आपका रिलेटेड है रिजर्वेशन इन प्रमोशन। प्रमोशन में जो रिजर्वेशन दिए जाते हैं SC ST को उससे रिलेटेड था ये केस, ठीक है। तो यहाँ पर बी जो है वो आपका सही उत्तर है, ये चीज याद रखिएगा। तो नागराज केस वॉज वेदर द क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट कुड बी अप्लाइड टू द SC ST एज वेल, ठीक है, यहाँ पर आप इसको याद रखिएगा क्लास। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, पांचवा प्रश्न। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और ये बहुत ही आसान प्रश्न है। जब भी हम भंग की बात करते हैं, डिसॉल्व करने की बात करते हैं, तो अक्सर बच्चे लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा, आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि जो लोकसभा है उसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर कैन नॉट बी डिसॉल्व लिखा है बट लिखा एबॉलिस्ट। राज्यसभा जो है उसको समाप्त भी नहीं किया जा सकता है। तो जिन बच्चों के दिमाग में इस प्रश्न का उत्तर राज्यसभा था वो आप समझ गए होंगे कि उनका उत्तर गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो राज्यसभा है उसको हम डिसॉल्व नहीं करते हैं, नहीं कर सकते, ये एकदम सही है, लेकिन उसको हम भंग भी नहीं कर सकते, हम उसको समाप्त भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हम उसको समाप्त नहीं कर सकते हैं, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पे राज्यसभा तो उत्तर नहीं होगा। अब यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, सी जो है वो सही उत्तर है आपका, ठीक है। इस प्रश्न का जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, राज्य विधान परिषद है, उसको डिसॉल्व भी किया जा सकता है, और सॉरी उसको डिसॉल्व, हाँ, विच कैन नॉट बी डिसॉल्व, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है लेकिन भंग किया जा सकता है, ये बात समझ में आया। और अगर अभी हम देखें, अभी भारत में 6 states ऐसे हैं जहां पर आपके स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, मात्र 6 ऐसे states हैं जहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। कहाँ कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में, ठीक है। पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी था, लेकिन आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 के आने के बाद से, जब से
जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरीज डिक्लेयर कर दिया गया, तब से ये वहां पर आपका एबॉलिश हो गया है, वहां का लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको एबॉलिश कर दिया गया है। और रिसेंटली 2020 में आंध्र प्रदेश की असेंबली ने बिल पास किया था फॉर द एबॉलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि अभी तक आपका पास नहीं हो पाया, क्लियर नहीं हो पाया है पार्लियामेंट में। ये दो चीजें फैक्ट्स अगर आप याद रखेंगे तब भी ठीक है, जो नहीं याद रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना था वो ये था कि इनमें से कौन से एक ऐसे बॉडी है विच कैन नॉट बी डिजोल्व, जिसको कि डिजोल्व नहीं किया जा सकता है, बट इट कैन बी एबॉलिश, उसको खत्म किया जा सकता है, वो है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। राज्यसभा को हम खत्म भी नहीं कर, हम डिसॉल्व तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व बट इट कैन नॉट बी एबॉलिश्ड। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब क्लास देखिए, आर्टिकल 169 में बोला गया है क्रिएशन एंड एबॉलिशन की बात की गई है, और कौन इसको क्रिएट और एबॉलिश करता है, कौन इसको बनाता है और एबॉलिश करता है, ये बता दूं मैं। देखिए, अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो एबॉलिश कर सकती है या फिर क्रिएट कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल को बाय सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, पार्लियामेंट, संसद की बात हो रही है। लेकिन इसके पहले एक रिजोल्यूशन पास होना चाहिए बाय स्पेशल मेजोरिटी, कहां से, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, ठीक है। जैसे अभी हमने यहाँ पे बात किया, जब इसकी बात किया हमने 2020 में, आंध्र प्रदेश ने एक रिजोल्यूशन पास किया है फॉर द एबॉल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहां की जो काउंसिल है उसको एबॉलिश कर दिया जाए, लेकिन अभी तक इसको पार्लियामेंट ने पास नहीं किया है, ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये याद रखिएगा, क्रिएशन और एबॉल्यूशन का, एबॉलिश करने का किसके पास पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है, लेकिन ये रिजोल्यूशन पास कहाँ से होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से होता है, जो स्टेट अपने यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना या खत्म करना चाहती है वो एक पहले एक रिजोल्यूशन पास करती है बाय स्पेशल मेजोरिटी। यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी है, वहां पे सिंपल मेजोरिटी है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। एक और चीज आप यहाँ पर देख लीजिए, इसको आप लोग पढ़िएगा, अगर किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन हो रही है ना तो एक बार लक्ष्मीकांत खोल के इस बुक, इस पॉइंट को पढ़ जरूर लीजिएगा, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। आर्टिकल 171 में क्या बोला गया है, इस पॉइंट को भी देख लीजिए, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती है ना, शैल नॉट हैव मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट असेंबलीज, ठीक है। जो स्टेट असेंबलीज की, जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबलीज की जो स्ट्रेंथ है, उसके 1/3 से ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए काउंसिल की, या फिर 40 से ज्यादा मेंबर, अरे नॉट लेस देन, या फिर 40 से कम मेंबर नहीं होने चाहिए, ये चीज याद रखिए। शैल नॉट हैव मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट असेंबली एंड नॉट लेस देन, 40 से कम मेंबर्स नहीं होने चाहिए। चलिए, अब आप लोगों को और नहीं कंफ्यूज करेंगे, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, छठवां प्रश्न। पृथ्वी पर पाए जाने वाले किस स्तनधारी में दांत नहीं होते, विच मैमल फाउंड ऑन अर्थ डू नॉट हैव अ टीथ, सी काउ, पेंगोलिन, बैट, या फिर समुद्री उद्बिलाव, ठीक है, सी ओटर। तो यहां पर जो सही उत्तर है वो आपका क्या है, बी जो है वो सही उत्तर है, पेंगोलिन। पेंगोलिन जो होते हैं वो एक ऐसे मैमल्स होते हैं जिनके की टीथ नहीं होते हैं। अच्छा, अगर हम भारतीय पेंगोलिन की बात करें तो IUCN की जो रेड लिस्ट निकलती है, ठीक है, उसमें ये शामिल है आपके, देखिए यहाँ पे लिखा है भारतीय पेंगोलिन को IUCN की लाल सूची में इनडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है, ठीक है, इनडेंजर्ड श्रेणी में ये है, और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू भी इनको कंजर्वेशन दिया गया है, इनको प्रिजर्व किया गया है। आप सभी को पता है रेड लिस्ट एक तरीके की कैटेगरी होती है जिसको कि कौन निकालता है, IUCN, याद रखिएगा, पेपर में ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि ये जो रेड लिस्ट की कैटेगरी है उसको पब्लिश कौन करता है, IUCN करता है, ठीक है। इसमें मेनली तीन, उसमें एक्सटिंक्ट की बात करता है, थ्रेटन की बात करता है, थ्रेटन में भी आपके क्रिटिकली डेंजर्ड, क्रिटिकली फिर इनडेंजर्ड, वनरेबल और लीस्ट कंसर्न, इस तरीके से वो कैटेगराइज करता है। जो एक्सटिंक्ट होते हैं वो एकदम मतलब पूरी तरीके से खत्म हो गए रहते हैं, ठीक है, जो लास्ट इंडिविजुअल भी था उस स्पीशीज का, मतलब जो लास्ट बचा हुआ था जानवर या कोई भी स्पीशीज, वो भी खत्म हो गई रहती है। तो इसको और डीप में नहीं जानेंगे, बस आप इतना जानिएगा कि रेड लिस्ट कैटेगरी कौन पब्लिश करता है, ये आपका IUCN पब्लिश करता है, और पेंगोलिन के बारे में ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संसद की प्राकलन समिति में सदस्यों की संख्या को सही तरीके से प्रदर्शित करता है। देखिए कितने खूबसूरती से इस प्रश्न को डिजाइन किया गया है, नहीं तो बहुत बेसिक तरीके से आपको नंबर दे दिए जाते हैं, थोड़ा सा आपको डराने के लिए इस तरीके से इसको प्रेजेंट कर दिया गया।
नहीं तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पर एस्टिमेट कमिटी की बात की गई है और बोला गया है कौन सा नंबर सही आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। आप सभी को पता है जो एस्टिमेट कमिटी होती है उसमें लोकसभा के ही खाली मेंबर्स होते हैं, उसमें राज्यसभा के एक भी मेंबर नहीं होते हैं। अगर किसी भी बच्चे को ये पता है कि एस्टिमेट कमिटी में राज्यसभा के मेंबर्स नहीं होते हैं तो वो आसानी से इसको कर सकता है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका एकदम सही होगा, बी। ठीक है, इसमें देखिए राज्यसभा के आगे क्या लिखा हुआ है, जीरो लिखा हुआ है। ठीक है, तो बी आपका सही है। इसमें 30 मेंबर होते हैं और जो 300 मेंबर होते हैं वो आपके लोकसभा से बिलोंग करते हैं। आठवां प्रश्न हम देखते हैं। आठवां प्रश्न थोड़ा बड़ा सा है, ठीक है, स्टेटमेंट के ऊपर है कि किसने ये स्टेटमेंट दिया था। तो इसको वीडियो पॉज करके थोड़ा करने का प्रयास करिए, मैं भी पढ़ती हूँ उसको। राजनीतिक प्रभुत्व आर्थिक शोषण की ओर ले जाता है, आर्थिक शोषण पीड़ा बीमारी व गंदगी की ओर ले जाता है और ये चीजें धरती की विनतम लोगों को सक्रिय या निष्क्रिय बगावत की ओर धकेलती है और जनता में आजादी की चाह पैदा करती है, या वक्तव्य किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, इंग्लिश वाले वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, समय नहीं बर्बाद करूंगी आप लोगों का। तो यही स्टेटमेंट किसने दिया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, एम एन राव ने, लाला लाजपत राय ने, या फिर आपके महात्मा गांधी ने। लाला लाजपत राय ने ये स्टेटमेंट आपका दिया है। ठीक है, पॉलिटिकल डोमिनेंस लेड टू द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन लेड टू द सफरिंग डिजीज एंड दीज थिंग पुशेस द हम्बल पर्सन ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स द एक्टिव और अ पैसिव रिबेलियन एंड क्रिएट अ डिजायर फॉर द फ्रीडम इन द पीपल। ये स्टेटमेंट सी आपका सही है, लाला लाजपत राय द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। चलिए नौवां प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर आपके पासेस दिए गए हैं और लोकेशंस के नाम दिए गए हैं। ठीक है, पासेस में आपको पहला दिया गया है बनिहाल, फिर जोजिला दिया गया है, फिर तुजो दिया गया है, फिर खारदुंग ला दिया गया है। ठीक है, बनिहाल की अगर हम बात करें तो बनिहाल आपका कहाँ पर है बताइए, बनिहाल आपका पीर पंजाल। ठीक है, जोजिला जास्कर रेंज, ठीक है, तुजू नॉर्थ ईस्ट हिमालय और कारदुंगला आपका ट्रांस हिमालय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहाँ पर नौ का ए सही है। अच्छा, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो बच्चे मुझसे पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा रोहतांग बरा शिप। ठीक है, रोहतांग बरा शिप, अब इसको ऐसे इमेजिन करो, रोहतांग मतलब बहुत पावर, रोहतांग बरा शिप। ठीक है, भरा शिप, तो ये आपका कहाँ पर है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में। जब भी हम रोहतांग की बात करेंगे, भरा की बात करेंगे, शिप की बात करेंगे, तो ये हिमाचल प्रदेश में, हिम्मत चाहिए आपको। तो इस तरीके से भी चीजों को आप याद रख सकते हैं, मैंने एक छोटी सी ट्रिक आपको बताई है। चलिए दसवां प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कंट्री के नाम दिए गए हैं और आपको कैपिटल दिया गया है, तो इसको वीडियो को पॉज करिए, ठीक है, और एक बार पढ़िए। देश दिए गए हैं और राजधानी दी गई है ए बी सी डी, तो यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका गलत है, तो ऑप्शन सी गलत है ना, यहाँ पे मॉरिशियस दिया गया है, तो मॉरिशियस नहीं होगा, यहाँ पर आपका मलेशिया होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होगा, मलेशिया होगा। तो क्या सही उत्तर था आपका, देख लीजिए एक बार प्रश्न को। चलिए इतनी चीजें क्लियर हो गई, अब हम ग्यारहवें प्रश्न को देखते हैं। तो दसवें प्रश्न का सही उत्तर क्या था, सी था। ग्यारहवां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध गुरुमा कनाच बापूहारी क्षेत्र किसे किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो इनवर्स डिस्ट्रिक्ट इज द गुरुमा कनाच बापूहारी रीजन फेमस फॉर द लाइमस्टोन लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। तो ये आपका कहाँ पर है, ये आपका मिर्जापुर में है, ए सही उत्तर हो जाएगा। पहला मिर्जापुर था, फिर सोनभद्र था, बांदा था, हमीरपुर था, ए आपका सही उत्तर है। अच्छा, सोनभद्र की अगर हम बात करें तो सोनभद्र में भी एक कजराहट क्षेत्र है जो कि चूना पत्थर के लिए फेमस है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, गुरमा कनाच बाबूहारी क्षेत्र जो है वो मिर्जापुर में है, लेकिन अगर आपसे पूछ लेगा कजराहट, कजराहट क्षेत्र जो है वो भी चूना पत्थर के लिए फेमस है और वो कहाँ पर है, तो आप याद रखेंगे सोनभद्र। चलिए बारहवें प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पर हर्बिसाइड्स दिए गए हैं और क्रॉप दिए गए हैं। ठीक है, कुछ हर्बिसाइड्स के नाम दिए गए हैं, शाकनाशी के नाम दिए गए हैं और फसल के नाम दिए गए हैं, तो इसको भी आप वीडियो पॉज करके जरा इसका उत्तर दीजिए। ए बी सी डी में से आपका कौन सा सही है, मतलब इसमें से कौन सा जो आपका दिया गया है वो गलत है, वही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है,
एलाक्लोर जो दिया गया है उसके आगे गन्ना दिया गया है और एट्राजिन के आगे मस्टर्ड दिया गया है। मैं आपको बता दूं जो एलाकोर है वो गन्ने वो सॉरी जो एट्राजिन है वो गन्ने वो मस्टर्ड के लिए नहीं है। तो यहाँ पे 12वें का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं एट्राजिन की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जो एट्राजिन है, देखिए यहाँ पर एट्राजिन जो है वो आपके गन्ने के लिए नहीं है। एलाकोर की अगर हम बात करें तो वो गन्ने के लिए है, एट्राजिन की अगर हम बात करेंगे तो वो किसके लिए है, वो मक्का के लिए है। ठीक है, वो मक्का के लिए है, याद रखिएगा। चलिए देख लीजिए क्लास, यहाँ पे एलाकोर आपके गन्ने मक्का मूंगफली के लिए है और एट्राजिन जो है वो मक्का और गन्ना के लिए है, और ऑप्शन में आपको एट्राजिन के आगे क्या दिया था, मस्टर्ड दिया था, इस वजह से वो प्रश्न गलत हो गया, अरे मतलब वो ऑप्शन गलत हो गया। चलिए 13वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग किया जा सकता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, हेल्थ केयर में, पब्लिक सेफ्टी एंड जस्टिस में, इंप्रूवमेंट इन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी में, या फिर इन एग्रीकल्चर एंड एनर्जी सेक्टर में, स्वास्थ्य देखभाल में, सार्वजनिक सुधार एवं सुरक्षा एवं न्याय में, ठीक है, प्रशासनिक दक्षता की वृद्धि में, या फिर कृषि एवं उपजाऊ क्षेत्रों में। तो ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी है जिसका कि हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 14 प्रश्न को हम देखते हैं। चोल शासक राज राज प्रथम ने सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक 16 मील लंबी कृत्रिम झील का निर्माण करवाया था, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन एक ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण कराया था। इसमें से आपको क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा, वीडियो को पॉज करके देने का प्रयास करिए, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। ये चोला रूलर राज राज प्रथम ने 16 माइल लॉन्ग आर्टिफिशियल लेक चोला गंगम फॉर इरिगेशन का निर्माण नहीं कराया था। ठीक है, इनके जो बेटे थे राजेंद्र, उन्होंने इस सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक 16 मील लंबी कृत्रिम झील का निर्माण कराया था, इस वजह से पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, लेकिन नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे उन्होंने रथ टेम्पल का निर्माण कराया था जो कि महाबलीपुरम में है, तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे राजेंद्र प्रथम ने इसका निर्माण कराया था जो कि झील थी। ठीक है, चोल गंगम का एक चीज और याद रखिएगा, इन्होंने एक उपाधि ली थी जो कि क्या उपाधि थी, गंगई कोंड। कई बार पेपर में पूछा गया है गंगई कोंड की उपाधि किसने धारण की थी, तो आप याद रखेंगे राजेंद्र प्रथम। ठीक है, जो कि एक बहुत महान शासक थे और ये किसके पुत्र थे, राजराज प्रथम के पुत्र थे ये। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 15 प्रश्न। 15 प्रश्न आपका थोड़ा सा बड़ा है तो वीडियो को पॉज करके इसको पढ़िए। आय में जब वृद्धि होती है तो उपभोग स्तर में तीव्र वृद्धि होती है। ठीक है, आय में जब इनकम आपका बढ़ता है तो शार्प इंक्रीज देखा जा सकता है उपभोग में, कंजप्शन में, परंतु जब आय में कमी होती है तो आय में कमी के अनुपात में उपभोग में कमी नहीं होती है। ठीक है, क्या बोला गया है, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपका कंजप्शन बढ़ता है, लेकिन जब आपकी इनकम में थोड़ा सा डिक्रीज होता है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपकी कंजप्शन पे नहीं होता है। ये किसने बताया, ये कौन सा प्रभाव है आपका। ठीक है, तो पहला आपको दिया गया रेचिट प्रभाव, फिर आपको दिया गया मार्केट लो ऑफ से या से का नियम, ठीक है, फिर प्रबल धक्का सिद्धांत, या फिर आपको दिया गया लियोंटिव पैराडॉक्स। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा ये ए होगा। एक अच्छा प्रश्न है ये, तो ये पूछा गया प्रश्न है, किसी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, हो सकता है ये फिर रिपीट हो जाए, तो ज्यादातर बच्चों का गलत हो जाएगा उस केस। चलिए 16वें प्रश्न को हम देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक गुल रुखी उपनाम से कविताएं लिखता था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, गुल रुखी नाम से कौन कविताएं लिखता था, पोयम लिखता था। अच्छा क्लास, मैं पूरी कोशिश करती हूँ हिंदी और इंग्लिश वालों बच्चों को दिक्कत ना हो, दोनों माध्यम के बच्चों को प्रश्न समझ में आए, उत्तर समझ में आए, या फिर जो व्याख्या मैं दे रही हूँ वो भी समझ में आए। लेकिन अगर बाई चांस कहीं पर कुछ कमी रह जाती है तो आप लोग अपनी तरफ से भी मेहनत करिए और गूगल पे उस टॉपिक को डालिए और सर्च करके एक बार पढ़िए जरूर। इससे क्या होगा, वो चीज आपके माइंड में बैठ जाएगी और एग्जाम में उसके गलत होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर गुलरुखी नाम के सरनेम से कौन कविताएं लिखता था, फिरोजशाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी खान, या फिर सिकंदर लोदी। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सिकंदर लोदी। डी जो है वो आपका सही उत्तर है।
16th का डी आपका सही उत्तर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो सिकंदर लोदी से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले 1504 में, 1504 याद रखिएगा, 1504 में आगरा की स्थापना इसने की थी। पेपर में डायरेक्ट प्रश्न पूछता है, बहुत ही आसान प्रश्न है और ज्यादातर बच्चों को पता रहता है कि आगरा की स्थापना किसने की थी, तो आप याद रखेंगे सिकंदर लोदी ने, और कब की थी, 1504 में की थी, ठीक है। और 1506 में इसने आगरा को अपनी राजधानी डिक्लेयर कर दिया था। भूमि को नापने का एक पैमाना इसने बनाया था जिसका कि नाम क्या था, गज ए सिकंदरी, ये भी याद रखिएगा। भूमि की नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी उसी के समय में आरंभ हुआ था, ठीक है, उसी के समय में ये लागू हुआ था। तो पेपर में प्रश्न ये बन सकता है कि गज ए सिकंदरी किस चीज से रिलेटेड है, तो भूमि नापने के लिए, पैसे के मेजरमेंट करने के लिए, टैक्स या क्या, फिर इस तरीके से। तो आप याद रखेंगे भूमि की नाप से रिलेटेड है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, 20 मई 1498 को जब भारत में वास्को डिगामा आए थे तो उस समय शासक कौन था, सिकंदर लोदी था। इसी के शासनकाल में भारत में प्रथम यूरोपीय शक्ति के रूप में मरीन, आपके 20 मई 1498 याद रखिएगा, 1498 को वास्को डिगामा भारत आए थे, ठीक है। और 1503 में पुर्तगाली द्वारा भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण भी इसी के समय में कोचीन में किया गया था, अल्बुर्ग ने उसका निर्माण किया था, याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 17 प्रश्नों को देखते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए गए हैं और उनके एस्टैब्लिशमेंट ईयर दिए गए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मीय सभा, तत्बोधनी सभा, ठीक है, परमहंस मंडली और वेद समाज, तो यहाँ पे कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो आत्मीय सभा के आगे क्या लिखा हुआ, 1820 लिखा हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा आत्मीय सभा जो है वो राजा राम मोहन रॉय द्वारा 1820 में नहीं, 1815 में इसका गठन किया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आत्मीय सभा जो है वो 1815 में इसका गठन किया है, किसने किया है, राजा राम मोहन रॉय ने। ब्रह्म समाज की भी स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी, ठीक है। तत्बोधनी सभा की अगर हम बात करें तो ये 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसका गठन किया गया। परमहंस मंडली में आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। वेद समाज 1864 में के श्री धरालु नायडू द्वारा, ठीक है। अब क्लास याद रखिएगा यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट ईयर भी इंपॉर्टेंट है और जो पर्सनालिटीज इससे रिलेटेड है, जो पर्सन, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए, पेपर में प्रश्न बनता है यहाँ से, ठीक है। 18 प्रश्न को देखते हैं फिर, यहाँ पर कैसा प्रश्न है, सूची एक दी गई है, सूची दो दी गई है और उनको सुमेलित करना है। यहाँ पे पहले आपको सूची एक में गवर्नर जनरल्स के नाम दिए गए हैं और फिर इवेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। लॉर्ड डफरिन की अगर हम बात करें, अगर आप चाहें वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, मैं आपको आंसर बताने जा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, हम एक एक पॉइंट को देखते हुए चलते हैं। लॉर्ड डफरिन की अगर बात करें हम, तो लॉर्ड डफरिन के समय क्या हुआ था, थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर हुआ था, इसको बी यू कर लीजिएगा, बर्मा वॉर, ठीक है। लैंसडाउन की अगर हम बात करें तो लैंसडाउन के समय मणिपुर रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है, मणिपुर विद्रोह हुआ था। लॉर्ड रिपन की अगर हम बात करें तो लॉर्ड रिपन के समय रेगुलर सेंसस स्टार्ट हुआ था, भारत में व्यवस्थित जनगणना प्रारंभ हुई थी। और लॉर्ड लिटन की बात करें, वैसे LYTTON दिया रहता है, तो लॉर्ड लिटन की अगर हम बात करें तो इसके समय सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ था। तो अब देखिए ए का आपका फोर्थ, ए का फोर्थ इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है। लैंसडाउन की अगर हम बात करें, मणिपुर, ये तीन इसमें दिया गया, तो चलिए ए आपका सही उत्तर है, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, ए है। अब ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो बस इतने पे तो हम रुक नहीं सकते हैं, तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। लॉर्ड लिटन की जब हम बात करते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया लॉर्ड लिटन के समय सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ था, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज आप याद रखेंगे, लॉर्ड लिटन के समय ही महारानी विक्टोरिया ने केसरी हिंद की उपाधि ली थी। तो आप याद रखेंगे, अगर पेपर में पूछे कि केसरी हिंद की उपाधि महारानी विक्टोरिया ने किसके समय पे ली थी, तो लॉर्ड लिटन के समय पे ली थी। लॉर्ड लिटन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वेनाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट किसके समय पे लाया गया था, लॉर्ड लिटन के समय पे आया था, ठीक है। और अगर पेपर में आपसे पूछा गया कि वेनाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय पे रिमूव किया गया था, रिपेल किया गया था, तो लॉर्ड रिपन के समय पे, ठीक है। लगाया किसने था, लॉर्ड लिटन ने वेनाकुलर एक्ट को, हटाया किसने था, रिपन ने, ठीक है। आर्म्स एक्ट किसके समय पे आया था, लॉर्ड लिटन के समय पे आया था। स्ट्रेची कमिटी जो थी, जो कि अकाल से रिलेटेड थी, फेमाइन से रिलेटेड थी, इंग्लिश में भी बता दूं,
अकाल से रिलेटेड थी, वो किसके समय पे गठित की गई थी, उसका भी गठन लॉर्ड लिटन के समय पे था। अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रश्न पूछ लेता है कि स्ट्रेचिंग कमिटी किस चीज से रिलेटेड थी, तो आप याद रखेंगे ये एक अकाल आयोग था, ठीक है। और जो सिविल सर्विसेज के लिए जो एज थी उसको 21 से 19 साल किसके समय पे घटा के कर दी गई थी, लॉर्ड लिटन के समय पे। तो अब आप लॉर्ड लिटन से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले सेकंड एग्लो अफगान वॉर किसके समय में हुआ था, इसके समय पे। कैसरे हिंद की उपाधि विक्टोरिया ने, क्वीन विक्टोरिया ने कब ली थी, लॉर्ड लिटन के समय पे। वेनाकुलर प्रेस एक्ट लगाया किसने था, आर्म्स एक्ट लगाया किसने था, लॉर्ड लिटन ने लगाया था। स्ट्रेची जो आपकी कमीशन थी जो कि फेमाइन से रिलेटेड थी, अकाल से रिलेटेड थी, वो किसके समय गठित हुई थी, लॉर्ड लिटन के समय पे हुई थी। और इंडियन सिविल सेवा, ठीक है, ICS की जो एज थी उसको 21 साल से 19 साल घटाकर कब किसके समय पे कर दी गई थी, लॉर्ड लिटन के समय पे, ठीक है। अब दूसरे जो थे वो आपके लॉर्ड रिपन की बात हम करते हैं। यहाँ पर देखिए लॉर्ड रिपन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले रेगुलर सेंसेस, ठीक है, जनगणना, व्यवस्थित जनगणना लॉर्ड रिपन ने कराई थी 1881 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में पूछा जाता है और इसी तरीके का शायद इस बार प्रश्न PCS में पूछा भी गया है, ठीक है। 1882 की अगर हम बात करें तो इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स की बात की थी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की थी, स्थानीय स्वशासन की बात की थी, सेल्फ गवर्नमेंट्स की बात की थी। 1882 में इन्होंने हंटर कमीशन का इन्हीं के समय गठन हुआ था, जो कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए बनाया गया था। एल्बर्ट बिल किसके समय में आया था, लॉर्ड रिपन के समय में आया था। और वेनाकुलर प्रेस एक्ट को किसने हटाया था, लॉर्ड रिपन ने हटाया था। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैक्ट्री एक्ट, सबसे पहला फैक्ट्री एक्ट किसके समय में आया था, रिपन के समय में आया था। इतनी चीजें क्लियर करिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, हिंदी में भी अरे इंग्लिश में भी। लॉर्ड डफरिन की बात करें, ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन की बात करें तो सबसे पहले तृतीय आंग्ला बर्मा युद्ध किसके समय में हुआ था, डफरिन के समय में हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किसके समय पे हुआ था, डफरिन के समय में हुआ था। INC का गठन हुआ क्योंकि वो डफर था, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, डफरिन के समय पे, ठीक है। लेंसडाउन की अगर हम बात करें तो इनके समय पे मणिपुर रिवॉल्ट हुआ था और दूसरा फैक्ट्री एक्ट आया था, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। और ड्यूरेंट रेखा जो कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य बनाई गई थी, ड्यूरेंट रेखा, वो भी किसके समय पे आया था, लेंसडाउन के समय पे। क्लास ये सारे पॉइंट से एक एक प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर एक बार सुनने में आपको याद आ रहा है, आप रिकॉल कर पा रहे हैं, तो अच्छी बात है। अगर बाई चांस आप रिकॉल नहीं कर पा रहे तो स्क्रीनशॉट लेके रिवाइज जरूर करिए। मैंने आपको पढ़ने का तरीका भी बताया है, जो भी प्रश्न हम डिस्कस करते हैं अगर आप तुरंत नहीं लिख पाते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, एक प्लेलिस्ट बनाइए और लिखिए रिवीजन, और उस प्लेलिस्ट में एक एक स्क्रीनशॉट को ऐड करते जाइए, फोल्डर स्मार्ट तरीके से पढ़िए आप लोग, ठीक है। अगर नहीं पेन कॉपी है, ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं दूर जा रहे हैं, ईयरफोन रखा पढ़ते हुए चलते गए लेक्चर को, कोई क्वेश्चन दिखा रही है तो पहली बार देखा या फिर इसको रिवाइज करने की जरूरत है, तुरंत स्क्रीनशॉट लिया, उसको प्लेलिस्ट में डाला, प्लेलिस्ट में डालने के बाद एक रिवीजन की प्लेलिस्ट बना ली और उसको रिवाइज करते रह गए। यही तरीका है पढ़ने का, ठीक है। जब चीजें स्मार्ट हो रही है तो आप भी स्मार्ट होइए, वो गया कि हार्ड वर्क करने से ही। आप थोड़ा स्मार्टली पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए चीजों को, आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। 19 प्रश्न को हम देखते हैं, लौंग के तेल का एक प्रमुख घटक कौन सा है, अ मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ क्लोव ऑयल, ठीक है, मेथनॉल है कि मेंथॉल है कि बेंजल्डिहाइड है या फिर यूगिनॉल है। तो यहाँ पर जो क्लोव ऑयल है वो उसमें आपका क्या प्रेजेंट होता है, आपका प्रेजेंट होता है, गलती से ये टिक लग गया है, डी आपका सही उत्तर है, यूजेनॉल। जब मेरी गलती से यहाँ पे मैंने टिक लगा दिया बी पे तो बड़े बच्चे बड़े परेशान, मैं गलत लगा दी, डी सही उत्तर है। तो यहाँ पर आपका डी सही उत्तर है, यूजेनॉल पाया जाता है। और आपको पता है कि जो लौंग का तेल है, जब दांत वांत में दर्द होता है तो लोग कहते हैं लौंग का तेल लगा लो, कीड़ा जो है मर जाएगा, दांत का दर्द सही हो जाएगा। तो डी आपका सही उत्तर है। 20वें प्रश्न को अब हम देखते हैं, 20वां प्रश्न आपका क्या है, कथन और कारण पे है, ठीक है, एजर्शन और रीजन पे है। इसको जरा आप पढ़िए, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर नहीं गिरता है, ठीक है। आप सभी को पता है जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो अर्थ के ऑर्बिट पे ऐसे 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 से चक्कर काट रही है, ठीक है, क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन ऑफ अर्थ प्रोवाइड द एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड फॉर इट्स मोशन, ठीक है, पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करता है। ये भी एकदम सही है, यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पढ़ने में ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एजर्शन और रीजन, ठीक है, कथन और कारण दोनों ही एकदम सही है।
21वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स दिए गए हैं और लोवेस्ट पॉइंट दिया गया है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और लोवेस्ट पॉइंट क्या है, जरा इसको देखिए। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, मैं आपको आंसर बताती हूँ। जब हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका का लोवेस्ट पॉइंट जो है वो है डेथ वैली, मृत घाटी, ठीक है। जब हम बात करते हैं साउथ अमेरिका की तो इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है वो आपका कौन सा है, वाल्डेस पेनिनसुला, ठीक है। तो ए का फोर्थ हो गया ना, यहाँ पे फोर्थ हो गया, और बी का फर्स्ट, ए सॉरी हाँ बी का फर्स्ट, ठीक है, ए का फोर्थ बी का फर्स्ट, ये आपका सी ऑप्शन। और चेक कर लेते हैं हम अफ्रीका की, अगर हम बात करें तो अफ्रीका का लेक असल, ठीक है, असल झील, और ऑस्ट्रेलिया की जब हम बात करें तो आयरन लेक। तो यहाँ पर देखिए सी का थर्ड हो गया और डी का सेकेंड हो गया, ठीक है, सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी इज द राइट आंसर। अच्छा, अगर हम एशिया के सर्वोच्च बिंदु की बात करें तो वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, आप सभी को पता है, जो कि कहां पर है, नेपाल में, ठीक है। और अगर हम बात करें निम्नतम, ठीक है, लोवेस्ट की बात करें तो मृत सागर है, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि आपके किसके किसके सीमा पर है, जॉर्डन और इसराइल की सीमा पर स्थित है आपका डेड सी, ठीक है, मृत सागर जिसको कि बोला गया है। अच्छा, अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका का हाईएस्ट पीक कौन सा है, माउंट किलिमंजारो, जो कि कहां पर है, तंजानिया में। पेपर डायरेक्टली पेपर में पूछ लेता है किलिमंजारो कहां पर है, आपको मैजा कॉलम में दे देगा तंजानिया, ठीक है। इसी तरीके से निम्नतम की बात करें अगर हम अफ्रीका के, तो असल जी, ठीक है, असल ले, जो कि कहां पर है, जिबूती में। चलिए इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर सब जगह का दिया गया है, सारे कॉन्टिनेंट्स का, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास, मैं थोड़ा सा वीडियो को रोक देती हूँ 2 मिनट, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। यूरोप का हाईएस्ट पीक कौन सा है, एल्ब्रूज है, ठीक है, और लोवेस्ट पीक की अगर हम बात करें यूरोप की तो आपके कैस्पियन में है। चलिए 22वां प्रश्न अब हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट्स, जल संधियों की बात की गई है, स्ट्रेट्स की बात की गई है, दो महाद्वीपों का विभाजन करती है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट सेपरेट टू कॉन्टिनेंट्स, टॉरस, बाबल मंडेप, बॉस्फोरस या फिर बेरिंग स्ट्रेट। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको इसका सही उत्तर जो होगा वो डी होगा, ठीक है। हम टॉरस स्ट्रेट की बात करें, बाबल मंडेप की बात करें, बॉस्फोरस स्ट्रेट की बात करें या फिर बेरिंग स्ट्रेट की बात करें, ये सभी दो कॉन्टिनेंट्स को अलग करती है, ठीक है। अगर हम बेरिंग स्टेट की बात करें तो जो बेरिंग स्टेट है वो नॉर्थ अमेरिका को एशिया से अलग करता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है आपका, मैं आपको दिखा भी दूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, बेरिंग स्टेट उत्तर अमेरिका व एशिया को सेपरेट करता है, ठीक है। फिर दूसरा देखिए आप यहाँ पर, यहाँ पे बॉस्फोरस संधि की अगर हम बात करें तो ये एशिया व यूरोप को अलग करता है, ठीक है। फिर बाबल मंडेप की बात करें तो ये अफ्रीका और एशिया को, याद करिए बाबल मंडेप किधर की तरफ है, अरब सागर व लाल सागर को जो की तरफ है, ठीक है। थोड़ा सा भी मैप अगर आप लोग देखते होंगे तो आप लोग को याद होगा, आज मैंने एक गलती कर दी, आप लोगों के लिए मैप नहीं लेके आई, तो आप लोग कमेंट पे कहें कि मैम मैप के थ्रू इसको बताना चाहिए था, उसके पहले मैं आप लोगों को सॉरी बोल देती हूँ, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को फिर रिपीट कर लेंगे और मैप ले आएंगे, ताकि ना ये जो मैप वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है, उसके लिए क्षमा करिएगा आज के लिए, ठीक है। टॉरस जल संधि की बात करें तो ओशनिया व एशिया को ये सेपरेट करता है, उसके लिए सॉरी। चलिए अब 23वां प्रश्न हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन पीक इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया, निम्नलिखित में से हिमालय की कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है, ठीक है, कामेत, नंदा देवी, अन्नपूर्णा या नंगा पर्वत। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या है, जो सही उत्तर क्या है, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा जो है वो आपका भारत में नहीं है, ये कहाँ पर है, ये नेपाल में है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था एशिया की जो हाईएस्ट या फिर वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट जो है वो भी भारत में नहीं है, वो कहाँ पर है, नेपाल में है। अन्नपूर्णा कहाँ पर है, नेपाल में है, ठीक है। अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, ये तीनों जो है वो कहाँ पर है, नेपाल में है, याद रखिएगा, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और मकालू, ठीक है। अब देखिए भारत में कौन कौन से, कामेत है, नंदा देवी है, नंगा पर्वत है, कंचनजंगा है। क्या क्या मैंने बोला, कामेत, नंदा देवी, नंगा पर्वत और कंचनजंगा, तो आप याद रखिएगा ये सब कहां पर है, भारत में है। 24th प्रश्न को हम देखते हैं, भूकंपीय पी तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द पी सिस्मिक वेव्स, ठीक है।
ये तरंगे केवल ठोस माध्यम में संचरण करती है। दीज वेव कैन ओनली ट्रांसमिट इन सॉलिड मीडियम, ठीक है। ये तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, दीज आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ये तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती है, दीज आर सिमिलर टू द साउंड वेव्स। एंड ये तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती है, ठीक है। दीज वेव्स आर हाईली डिस्ट्रक्टिबल। तो यहाँ पे करेक्ट बोला है, तो यहाँ पे करेक्ट आपका कौन सा होगा, यहाँ पे करेक्ट आपका सी होगा। ये जो तरंगे होती है ना, वो साउंड वेव्स की तरह होती है, लेकिन दीज आर नॉट ट्रांसवर्स इन नेचर, अनुप्रस्थ प्रकृति की नहीं होती है, ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती है, और ये आपके सॉलिड लिक्विड सारे मीडियम्स में ट्रेवल कर सकती है। अगर हम पी तरंगों की बात करें, जिसको कि हम प्राइमरी वेव्स कहते हैं ना, तो ये ठोस, द्रव और गैस, ठीक है, ये आपके सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों माध्यम में ये ट्रेवल कर सकती हैं। ये आपकी प्राइमरी वेव्स होती हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तरह होती हैं, साउंड वेव्स की तरह ये सिमिलर होती हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है बहुत ज्यादा होती है। जब हम एस तरंगों की बात करते हैं, एस वेव्स की बात करते हैं, जिसको कि हम सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, ट्रांसवर्स नेचर की होती है, ये चीज याद रखिएगा। और ये आपके जो होती हैं, ये प्रकाश तरंगों की तरह होती हैं, और ये खाली ठोस माध्यम में ट्रेवल करती हैं। क्या रहेगा क्लास, याद रखिएगा, इस तरीके के प्रश्न पेपर में बन सकते हैं। अब आज की क्लास का हम आखिरी प्रश्न देखते हैं, 25वां प्रश्न, जो कि सुमेलित करना है सूची एक को सूची दो से। यहाँ पे आपके न्यूक्लियर, पहले सूची में आपको न्यूक्लियर पावर स्टेशन दिए गए हैं, दूसरे में स्टेट दिया गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। क्यागा की जब हम बात करते हैं, क्यागा आपका कहाँ है, कर्नाटका में है, तो ए का तीन दो जगह दिया गया है, वेरी गुड। जैसे ही आपको पता चल गया ए का तीन है, तो यहाँ से तो आपको पता ही चल गया बी का फोर्थ है, तो बी का फोर्थ चलो चुटका जो है जो हम मार्क कर देते हैं, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब बचा यहाँ पर मीठी वर्दी, मीठी वर्दी और माही बांसवाड़ा, ठीक है। मीठी वर्दी जो है वो आपका कहाँ पर है, वो गुजरात में है, ठीक है, गुजरात वाले खट्टा मीठा खाते हैं, तो मीठी वर्दी याद रखिएगा। और माही बांसवाड़ा जो है ये आपका कहाँ पर हो गया, राजस्थान में हो गया, सी का सॉरी डी का सेकेंड। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ना, बी इज द राइट आंसर। एक बार हम लोग देख लेते हैं, बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच क्लास, आज के सेशन को हम यही पे एंड करते हैं। आज के सेशन में हमने 25 प्रश्नों को डिस्कस किया, और आपने नोटिस किया होगा मैं पूरी कोशिश करती हूँ इन 25 क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बताती जाऊँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं, इसलिए मैं बार बार आपसे कहती हूँ एक एक चीज नोट डाउन करते चलिए, ठीक है, अच्छा रहेगा। तो धन्यवाद आज की क्लास के लिए, अब नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिए, आपका दिन अच्छा जाए। थैंक यू सो मच।